आज मैं ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस युद्ध में ऐसे तोपे ऐसी नीति यूज की है, आप हैरान हो जाएंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई है। पानीपत एक प्रथम युद्ध नहीं है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी है। ये उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर उद्दम बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीर उद्दम बाबर ने लोधी को परास्त किया था। बाबर के अनुमान अनुसार बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी। इब्राहिम लोधी के सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। बाबर की रणनीति अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलगुमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलगुमा युद्ध की नीति इसका अर्थ था कि पूरी सेना को बाएं और दाहिने और मध्य विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घिरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध नीति केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़िया अरबा प्रदान की जाती थी जिन्हें दुश्मनों का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवर की चमड़ी से बनी रस्सियों के एक दूसरे से बंधी होती थी। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। काबुलिस्तान की तिमुरी शासक बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर की भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोधी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और सामंतों तथा सेनापतियों ने लोधी को वही छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार किया। ऐसे हिस्ट्री के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।